नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कई न्यूज चैनलों में काम करने के अनुभव के आधार पर कहता हूं कि कम से कम मीडिया एंकरों को इंडिया शब्द को नीचा दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। इंडिया शब्द कहें, देश कहें, जज्बा कहें, या फिर इंडिया का मतलब भारत भी है, इंडिया और भारत दोनों हैं। न्यूज चैनलों ने दो गानों का जमकर इस्तेमाल किया, चाहे हमने क्रिकेट में कामयाबी हासिल की, चाहे ओलंपिक खेलों में कामयाबी हासिल की, या विज्ञान के क्षेत्र में कामयाबी हासिल की। दो गानों का न्यूज चैनलों ने खूब इस्तेमाल किया, चक दे इंडिया और दुश्मन के छक्के छुड़ा दें हम इंडिया वाले। और अचानक उन्हीं चैनलों के न्यूज एंकर आज इंडिया को गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं। जिन गानों का इस्तेमाल किया, जिस इंडिया पर बने गानों का इस्तेमाल किया, अचानक उसकी कमियां बताई जा रही हैं। न्यूज चैनलों पर जब ऐसे गाने बजते थे तो देशवासियों के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे, देशभक्ति की एक भावना आती थी। चक दे इंडिया का जब गाना बजता था, या फिर दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, इस तरह के गानों के साथ देश ने खूब सेलिब्रेट किया है हमारी कामयाबी को। और अचानक इंडिया को धुतकारा जा रहा है, जो दिखाता है कि नए भारत में आजकल रोजाना नई नफरतें पैदा हो रही हैं। और जिस इंडिया पर बॉलीवुड ने अनेकों फिल्में दी, अनेकों गाने दिए, आज वो बॉलीवुड भी इंडिया को धुतकार रहा है। और इसे लेकर बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने बॉलीवुड को सुनाया है। विजेंद्र सिंह ने क्या कहा, ये आगे आपको दिखाएंगे। पहले तीन ट्वीट मैं दिखाता हूं आपको, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और कंगना रनौत की। ये अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू का पोस्टर शेयर किया है, और इसमें जो नाम दिया है कि मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू। ये नाम बहुत अच्छा है, नाम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप नाम बदलते हैं तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि अचानक ऐसा नया क्या हुआ है। इस फिल्म का पहले नाम था मिशन रानीगंज द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू, लेकिन चूंकि अब भारत वर्सेस इंडिया की बहस चल रही है, अक्षय कुमार मोदी सरकार के घोर समर्थक माने जाते हैं, तो फिल्म का नाम भी बदल दिया द ग्रेट भारत रेस्क्यू। हालांकि मोदी सरकार ने अब तक साफ नहीं किया है कि देश का नाम बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, या जानबूझकर ये नौटंकी करवाई जा रही है, इंडिया वर्सेस भारत का विवाद खड़ा किया जा रहा है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कंगना रनौत का। कंगना रनौत कहती है कि जब किसी ने लिखा कि मैं इंडिया, भारत, हिंदुस्तान सबसे प्यार करता हूं, तो कंगना रनौत ने कहा कि इंडिया में प्यार करने लायक कुछ नहीं है। ये वही कंगना रनौत है जो पहले ट्वीट करती थी कि आई लव माई इंडिया, खुद लिखती थी कि आई लव माई इंडिया। तो अचानक क्या हो गया, अचानक ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में प्यार करने लायक कुछ नहीं है। और अमिताभ बच्चन सांकेतिक रूप से कहते हैं, समर्थन करते हुए, कि भारत माता की जय। और इसे लेकर विजेंद्र सिंह ने क्या कहा है बॉलीवुड कलाकारों को, जरा सुनिए, जो असल भारत की आवाज उठाने की बात आती है। विजेंद्र सिंह लिखते हैं, कई लोग मणिपुर पर, किसानों पर, पहलवानों पर एक भी ट्वीट नहीं करते और अब कहते हैं कि भारत का नाम अच्छा है। तो विजेंद्र सिंह ने सवाल उठाया है कि जो आज कहते हैं कि भारत अच्छा है, वो देश के मुद्दों पर बोलते कितना है। दोस्तों, पहले कहा जाता था कि इंडिया शहरी लोगों का इंडिया है और असल भारत गांव में बसता है, तो गांव की समस्याओं को लेकर, किसानों को लेकर ये बॉलीवुड कलाकार कितना बोलते हैं, या फिर नाम की बहस में सिर्फ सरकार की चापलूसी की जा रही है। आप अचानक इंडिया को इस तरह धुतकारने और भारत के नाम पर हो रही राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।